सो हाय, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा डिनर। अभी बनाने जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 8। मैं घड़ी देख रही हूँ इसलिए ऊपर की तरफ देख रही थी। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं खाना बनाती हूँ, इसी टाइम पे बनाती हूँ डिनर। सो आज बहुत सिंपल सा एक मेन्यू है मेरा। आज मैं एक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी, बस। क्योंकि डेली डेली ये वो बनाना अच्छा नहीं लगता किसी को भी, और कभी कभी सिंपल खा लेना भी अच्छा होता है, और वो हेल्दी भी होता है। और रात को ज़्यादा हेवी नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं सिंपल सा एक सब्ज़ी बना रही थी। सो चलो, आज का डिनर मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ। चलो चलो। मैंने यहाँ पे 3 आलू लेके उसको धो के फिर फोक से मैं इसमें थोड़ा सा होल कर दूंगी, क्योंकि बड़े हैं ये थोड़े से। फिर मैं इसको कुकर में बॉईल कर लूंगी ना, थोड़ा सा नमक डाल के। अभी इसका ढक्कन लगा के मैं 3 सीटियाँ दूंगी, क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं। और अभी मैं आटा गूंद लूंगी, मुझे रोटी बनानी है तो 2 लोगों के लिए इतना सा आटा काफ़ी है। और मैं आटा गूंद के नहीं रखती हूँ, जब बनानी है तभी मैं गूंद के बनाती हूँ, तो इतना काफ़ी है। फिर मैं इसके पेड़े भी बना के रख दूँगी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ। जब तक मैं रोटी बनाती हूँ तब तक मेरी कुकर जो है ठंडी हो जाएगी, तो मुझे सब्ज़ी बनाने में और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। मेरी रोटियां तैयार हो चुकी है, अभी मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। मैं यहाँ पे टमाटर काट देती हूँ पहले। अभी मैं टमाटर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। छोटे छोटे काटने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, तो यह छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ। शायद मुझे और एक टमाटर लगेगा, तो मैं एक छोटा सा टमाटर ले रही हूँ। अभी हरी मिर्ची को भी काट लूँगी, ये हरी मिर्च और टमाटर। अभी मैं आलू को छील रही हूँ, देख रहे हैं नमक डालने से कितनी जल्दी ये निकल रहा है। अभी आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। ये आलू और हरी मिर्च, टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और भी मसाले जाएंगे वो मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी ऑयल को गरम करके थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू को थोड़ा सा लाल लाल करके फ्राई करूँगी। अभी हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी। अभी टमाटर डाल दूँगी ताकि टमाटर गल जाए। इसको मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगा आलू के साथ। अभी मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद मैं सारे ड्राई पाउडर मसाला जो होते हैं वो सब डालूँगी। ये लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा बाद में डालूँगी। इसको मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी। अभी नमक मैंने डाल दिया था, पानी डाल के थोड़ा सा इसको पका लूँगी। ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस पानी डाल के थोड़ा सा पका रही हूँ ताकि मसाले सारे आलू के साथ मिक्स हो जाए। ये रेडी मेरा आलू की सब्ज़ी और ये है रोटी। सो डिनर का मेन्यू, होप सो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल था और हेल्दी भी है। सो या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी के लिए बाय और गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।